दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे एडवांस बुकिंग में कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा ने कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ा और क्या फिल्म 10 करोड़ से बड़ी ओपनिंग ले पाएगी या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं, इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं फिल्म का बजट है 65 करोड़ रुपए। लेकिन आपको बता दें शहजादा फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेल कर दिया गया है और इसके ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे, वो भी लगभग 40 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में, जिस वजह से कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा अपने आधे बजट को रिकवर कर चुकी है। लेकिन अगर फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करें तो फिल्म की अभी तक की 4 दिनों की एडवांस बुकिंग लगभग 87 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है, जिस वजह से माना जा रहा है फिल्म अपने रिलीज के पहले तक लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर लेगी। लेकिन अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो अपने पहले दिन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग करनी होगी और फिल्म को लाइफ टाइम 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा, तभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा अपने पहले दिन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर और लाइफ टाइम 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो पाएगी या नहीं? और आपके हिसाब से शहजादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या हो जाएगी फ्लॉप? आप क्राइम न्यूज कमेंट कर जरूर बताओ। नोटिस आए तो हमारे स्टूडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।